पाशा साहब किबला शेर दकन खतीब दकन वहाफिजे मिशन जनाब अबू तालिब अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहजादे जो भरपूर तरीके से उनके मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। हमें कहीं भी ऐसे कमी तो कयामत तक महसूस होगी, मगर नायब वही होता है जो उनकी कमी को पूरा करने की हम कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोग्राम में और महफिल में और मजलिसों में आप तशरीफ ले जाते हैं वहां लोगों को ये कहना पड़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, वाकई हम शेर दकन के शहजादे के साथ अपनी मजलिस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी आंखों के सामने हैं, वो तशरीफ लाए बर वक्त सुबह से आ चुके हैं और उन्होंने आपका इंतजार किया, आपने उनका इंतजार किया। मैं दरमियान में हायल रहा, परवरदिगार आलम मेरे इस हायल होने को दरगुजर फरमाए, आप भी दरगुजर फरमाए। दुआ यही है कि ये पट्टा बंधा रहे। आमीन। अब आइए जरा मैं देखता हूँ आप इस्तकबाल कैसे करते। नारे तकबीर, मुसाफिर हैं और मुसाफिर पर रहम खाना बहुत जरूरी है, तो अल्लाह उनको भी इस कड़कती भड़कती आग की जो जिया है उसके जरिए राह रास्त पर लेकर आए। अल्लाह पर बना तकबल मिन अल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। تبارك وتعالى في شان عظمت حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى ال صحابه ومصر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث العظم واتي لطفي وبهلي مبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ومكرم سادات الكرام علماء ذوي الاحترام مسجد هذا کے خطیب و مؤذن و انتظامی کمیٹی کے جمیع ارکان، اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج آپ اور ہم حضور پیرانِ پیر محبوبِ سبحانِ خطبِ ربانی میرا محی الدین شیخ الکل سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے موصوم اور منصوب
मजलिस गौसिया में शिरकत की सआदत से ज्यादा मन है। आज कोई बाजाबता खिताबात का प्रोग्राम कतई तौर पर नहीं था, लेकिन ये सिलसिले कादरिया की महफिल है। मैं समझूंगा ये गौसे पाक की करामत है, क्योंकि गौसे पाक की कोई ऐसी महफिल नहीं होती जिसमें वाज नहीं होता, जिक्र हो, अस्कार हो, दुरूस हो, पिराने भी वाज फरमाते हैं। और मौलाना खिताब कर रहे थे तो मुझे बार बार याद आ रहा था जो जुमले उन्होंने बताए, जो वाकये की तरफ आपको इशारा दिया और तवज्जो को मकबूल करवाया कि गौसपा वाज नहीं करते थे, क्योंकि गौसे आजम पिराने पीर ईरान से आए और ईरान अजम का इलाका, जीनान जो खिता था वो अजम कहते हैं। अजम का मतलब है क्योंकि अरब को अपनी जुबान पर इतना फख्र और इतना नाज था कि वो सारी दुनिया को गूंगे कहते और खुद को अरब कहते, इतना प्राइड था। तो हुजूर पिराई की जो तरबियत हुई जिन इलाकों में हुई वहां अरबी बोली तो जाती थी, लेकिन ऐसी नहीं बोली जाती थी जैसे इराक में बोली जाती या फिर अरब में बोली जाती थी, इजाज़े मुकद्दस जिसे आज सऊदी अरब कहते हैं। तो ये खितों में जैसे मिस्र वगैरह है यहां पर बड़ी अदब वाली लिटरेचर वाली अरबी बोली जाती है, कुरान हदीस वाली अरबी बोली जाती थी। तो उस बात को बस उद्देश्य था क्योंकि अल्लाह ने गौसे आजम को हर मामले में नुकते होश पर पहुंचाया। गौसे आजम दरमिया ने औलिया जो मोहम्मद दरमिया ने अंबिया गांधी कहते हैं कि गौसे पाक की शान बस दो ही जुमलों में सुना, छोटे छोटे मिसरों में क्या पूछते हो गौसे पाक की शान कह रहे। गौसे आजम का मकाम औलिया में वही है जो अंबिया में उनके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह, दो जुमलों में इतनी मुकम्मल इंट्रोडक्शन गौसे आजम पर किसी ने नहीं कहा। हजरत वाली आजी ने कहा सरकार गौस की फजीलत क्या पूछते हो आसी, हर फजीलत के वो जामा है नबूवत के, हर फजीलत गौसे पाक के पास। अब मैं ये कहूं बहुत बड़े आलिम थे तो आप बोले कि जब हजरत तमाम फजीलत ही उनके पास है और आलिम थे तो ऐसे आलिम थे उनके जैसा आलिम ही नहीं करनी है। इबादत का मामला है तो आज भी ऐसे थे कि उनके जैसा कोई आगे ही नहीं दौड़ते, कयामत तक इमाम मेहदी के आगे तक आने वाला भी नहीं। जाहिर थे तो ऐसे जाहिर थे उनके से इतना जोहर नहीं था, और सखी थे तो ऐसे सखी थे फिर उनकी सखावत की कोई मिसाली पेश नहीं करता। चोर आया चोरी करा सजा पाने का विलायत मांगे गया, सखावत की इम्तिहान और इख्तियार ऐसा था गौसे आजम दस्तगीर का अल्लाह की कायनात में कि तुम डूबते हुए तो बचा लो, ये मुमकिन भी है गैर मुमकिन भी है, और तुम्हारी आंखों के सामने डूब रहा है और अगर तुम्हें बहुत अच्छा तैरना भी आता है वो बहुत ज्यादा हाथ मार रहा है तो डूब जाएगा। तुम अच्छे रुबाज भी हो, अच्छे तैराक भी हो, जबरदस्त स्विमर भी हो, लेकिन समंदर की लहरों के सामने तुम को उसको डुबाना है तो वो डुबो के रखते, ये हमारी काबिलियत है। और गौसे पाक के पास एक बुढ़िया आई रोने लगी 12 साल से नदी के किनारे बैठी हूं, ये किस्से का आनिया नहीं है। जब हम हुजूर पिराने पीर आजकल बहुत बदमाश हो गए हैं, कुछ बेवकूफों की वजह से कुछ बदमाशों को बोलने का मौका मिल जाता है, आप मेरा इशारा समझ रहे, कुछ जज्बात में आकर ऐसी बातें कर देते हैं, नहीं यार बाबा जज्बात की अच्छी चीज नहीं है। आप किसी भी तहरीर से ताल्लुक रखते होंगे लेकिन मैं आपसे कहूं जज्बात में आप जैसे लोग आते हैं सुनना हमें तो। देखो किस्से कहानियां गौसे पाक के हवाले से सुनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये अल्लाह का ऐसा वली है जिसकी तारीफ जैसे हदीस में अस्माउर रिजाल का फन है। उलमा की तवज्जो, अस्माउर रिजाल का जो फन है ना क्या है, अनफना हुजूर से किसने सुना, उनसे किसने सुना, इसके ऊपर ही बहस है इल्मुल हदीस की। लेकिन जिस तरह हुजूर के अहादीस को जमा करने के लिए बड़ी एहतियात की जाती है, हदीस हसन होती है, हसन जुबैरी होती है, जईफ होती है, इसकी अकसाम है, ठीक है, मौजू होती है, मनगढ़ंत होती है, इसकी अकसाम है। तो गौसे आजम पिराने पीर की जितनी करामात है समझ रहे हैं आप, ये सुनी सुनाई हुई नहीं है, इन्हों बोलती है उन्हों सोलर से उड़ाती है, नहीं, लिखने वाले वो हैं जिसने गौसपा की एक महफिल में बैठकर एक आयत की 40 से जायद तफासीर सुनी। इमाम जोजी छोटे मोटे आदमी नहीं है,
600 किताबों के राइटर हैं। आज के जमाने के राइटर नहीं है, इतने किताब और उतने किताब नहीं। उस जमाने में बहुत से पांच के जमाने में चौथे लगा फिल्म का मैार क्या रहा होगा, आज का नहीं है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इधर से माए पेस्ट करे अपना नाम लिखे चाहते देखिए, वो कॉपी पेस्ट का जमाना भी बोले नहीं था। इमाम जोशी इतने बड़े आलिम है कि 600 किताबों के मुसनफ और हर किताब 15 वॉल्यूम पर मुश्तमिल, ये मिनिमम उनकी किताब है। कभी हदीस में कभी फिक्र में जो उन्हों में मुरवजा गैर मुरवजा उस दौर के थे असलिया व नकलिया, वो सब के इमाम थे, कहा बैठे थे। तो ये गवाह है गौसे पाक का, विलायत में उनका कोई सानी नहीं, इल्म में कोई सानी नहीं, खानदान में भी कोई सानी नहीं। इधर हसन ही मेरे हुसैन ही, अल्लाह ने खानदान भी दिया तो ऐसा नहीं सिंगल भी नहीं दिया, दो आदिशान इज्जत दी, कोई हसन ही होता है कोई हुसैन ही होता है। अरे अब्दुल कादिर तेरा वो मकाम है, तू बाप की तरफ से भी सबसे अफजल घराने से होगा और बाप की तरफ से भी सबसे अब्दुल कादिर से। रंग का दिन मेरे बहबूब को इतारा ना दे, बाप की तरफ से तो अच्छे थे, अम्मा की तरफ से दाए, उधर से भी नंबर वन, इधर से भी नंबर वन, उधर से भी दी बेस्ट, इधर से भी दी बेस्ट। और जब सारी चीजें बेस्ट थी तो फिर आने के बहुत से आलम को जिम्मेदारी भी बड़ी स्ट्रांग थी। देखो मनसब के साथ ही जिम्मेदारी आ जाती है। इमाम साहब है मनसब है जिम्मेदारी है, मौसम साहब है मनसब है जिम्मेदारी, आलिम है जिम्मेदारी है, और अल्लाह का करम है हम वफादाराने आले रसूल हैं, हम अपने मनसब की जिम्मेदारी कमा को अदा करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि मनसब को तुम बोल गए ड्यूटी सुन गए, किसकी बयान करना अपना शान और तुम किसकी शान बयान कर रहे, हमारा बिल्कुल ऐसा मिजाज नहीं है। आओ जब बात चल गई है मुफ्ती साहब ने छेड़ दी है, आज का प्रोग्राम बिल्कुल हमारा मुख्तलिफ था, मैं जिक्र होगा लेकिन ये गौसे आजम का जिक्र भी का जिक्र से कम होगा, जिक्र जरूर होगा। अल्लाह जो चाहता है मुफ्ती साहब किताब कर रहे थे, अल्लाह सलामत रखे, ये यकीनन अहले बैत के सच्चे आशिक हैं और इनके लिए हम जितनी दुआएं करें उतना कम है। यूं समझिए कि 22,000 में से हमको एक और मिल गया है, अल्लाह जजाय खैर अता फरमाए, और माशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी जान की परवाह किए बगैर नतायज अवाकिब और कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता किए बगैर मुफ्ती साहब कर रहे हैं, और बहुत से बात इनकी हिमायत पर लगे हुए हैं, और जो पिराने भी की हिमायत में रहेगा और उनके दामन में छुप जाएगा किसी को नहीं मिलेगा। ढोंडा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, या और ढोंडा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा। कयामत के सिपाहिया नहीं ढूंढ सकेंगे तो आजकल के नासिक क्या करेंगे, क्या ढूंढेंगे, तो ये पिराने भी की हिमायत में किसकी, क्या लगे जिसपे हिमालय का पंजा तेरा, शेर को पत्र में डाटा नहीं कुत्ता तेरा। ये वो गौसे आजम के सग हैं कि बड़े बड़े शेरा भी आए तो पछाल के रख देते हैं, अब इनके शरीर वजन पे बन जाइए, ये एक इल्मी शेर है, क्या है अल्लाह सलामत रखे। तो ये खिताब कर रहे थे तो मुझे भी याद आ रही थी एक बार कि मैंने कहा मुफ्ती साहब को बोल रहे थे तकरीबन 1 घंटे के करीब मुफ्ती साहब ने जबरदस्त खिताब किया, अल्लाह के जाय खैर अता फरमाए, तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि गौसे पाक की भी तो यही कैफियत थी ना, जो गुलामों की जो कैफियत थी वो पीर की कैफियत थी। देखो मुरीद वही है जिसको उसके पीर के जलवे नजर आए, किसी में इतना नजर आए, किसी में इतना नजर आए, किसी में इतना नजर आए, किसी में बहुत ज्यादा नजर आए, जितना रंगा जाएगा वैसा रंग नजर आए, वो मुरीद ही नहीं जिसे देखकर उसका पीर याद आए। तो ऐसा कार्य नहीं करो कि तुम्हें देखे तो गौसे पाक को याद करे, जरूरी नहीं कि इल्म के जरिए हो, सबको नहीं बनाया अल्लाह बराबर इल्म में, अलस्तवी लदीना यालमुना व लदीना ला यालमुना। इसके ऊपर एक वजह से इंशाल्लाह मौलाना के साथ जब गुफ्तगू होगी तो बात करेंगे। तो सबको नहीं चाहता, दादा वो उसी को देता है जो इसका बार उठा सकता, और अपना बार उठाने के लिए कुरान ने अपनी अमानत अल्लाह ने कहा ना हमने पहाड़ पर डाली ना समंदर पर डाली, सब पे डाली, वो नहीं करे इंसान इसका अहद था।
और हमारी जिम्मेदारी उसने कबूल की, ये बाव ये बोझ ये बार और इंसानों में भी ये उन पर डाली जो इसके अहल थे, जो साहिब ईमान थे। काफिरों से नहीं पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजा क्यों नहीं करे, अंबानी से थोड़ी पूछेगा कि हज को क्यों नहीं आया, यू हैव सो मच मनी क्यों नहीं आया, पूछेगा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा क्यों, आप मुसलमान है तो यार की बात। तो ठीक इसी तरह ये कादरियों पर जिम्मेदारी है कि दर्स और तदरीस के सिलसिले को जारी रखें। जब गौसे पाक को सात मरतबा लोहा में दहन मिला रसूलुल्लाह से, छह मरतबा मिला शेर खुदा से, मौला भी जाते तो सात मरतबा देते क्यों नहीं दिया दादा जान, नाना जान ने तो सेवन टाइम आपने टाइम क्यों ना थोड़े अलग माने। मौलाना ने इसके एक शरह की इस वाक्य की मेरे से भी सुन लीजिए, जब रसूलुल्लाह दे चुके हैं तो फिर अली को देने की जरूरत क्या थी, तवज्जो है आपकी, क्योंकि मेरे नबी के लुआबे दहन का एक कतरा सरकार सिद्दीक अकबर की एड़ी में लगा तो जहर का असर चला गया। मौलाए कायनात की आंखों में एक कतरा लुआबे दहन का मेरे नबी का गया तो खैबर फतह हो गया। जंगों में कई मरतबा हम साहब आगे कहते हैं रसूलल्लाह पानी खा रहा है तो हुजूर ने थूक दिया पानी मीठा हो गया, खाना कम पड़ गया हुजूर ने थूक दिया खाने में बरकत हो गई, दस का दस हजार खाए ये मेरे नबी के लोहे दिन की बरकत समझो जरा, इतना मिला तो खैबर फतह हुआ, एक मरतबा नहीं दिए सेवन टाइम दिए तवज्जो है। और फिर देख के अली का हाथ आगे बढ़ा के बोले अली तुम भी दे दो, तो अब क्या जरूरत थी, जरूरत यह थी कि हुजूर ये बताना चाहते हैं। मैं आलम कयामत में पूछा मशायख ने आरिफीन ने किया रसूलल्लाह ये क्या माजरा है, तो हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो कुछ था मैंने सब कुछ अब्दुल कादिर जिलानी को दे दिया और ए अली मैंने तुझको जो कुछ अपना दिया था वो सब कुछ अब्दुल कादिर को दे दिया, क्योंकि ये एक ऐसा बेटा है, ये एक ऐसा बेटा है जो बातिल की आंखों में आंख डालकर बात कहता। 650 ईयर्स तक ऑलमोस्ट सैयदों को काटे करबला ने, आपके ऊपर मुर्दी हला देगा कि पानी निकले दानिशा तौर पर आप जानते हैं बैल पानी अवेलेबल है नहीं मिला है तो मुर्दी हला नहीं होती होगी, जहां पर वो काटे तो क्या करते पानी पिलाते मुर्गी को भी काटे तो देखे ना दुकानों पर पानी में डोलता मानते तो वो जानवर तुम्हारे लिए आजाद नहीं होता, जरा सोचो तीन दिन प्यासा रखकर नबी के खानदान को काटे कैसी बेदर्दी से काटे, कितनी बेदर्दी से काटे, तो ये काटने का सिलसिला रुका नहीं। मौला अली तो वहां बार हुआ कूफा में मस्जिद की, इमाम हसन को जहर दिए, इमाम हुसैन के साथ करबला में क्या करें मालूम, इमाम मूसा के साथ क्या करें, इमाम आजम अबू हनीफा के साथ क्या करें, अहले बैत की मोहब्बत में जेल में डाल दिए। इसके अहले बैत की दास्तानी में कहता हूं उस वक्त तक अधूरी है जब तक इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र न करो, आइंदा कभी जो मैं इमाम आजम बनाएंगे तो गुफ्तगु करेंगे बताएंगे कि इमाम आजम क्या है। मौलाना शबरी मनजुल कादरी को अगर अहले बैत से इतनी मोहब्बत है इसलिए कि एक तरफ वो कादरी है दूसरी तरफ वो हनफी है, इसीलिए है, और हनफियों को अहले बैत से कितनी मोहब्बत होना कभी वक्त आया तो हम बताएंगे। अब तुम्हारे पास ऐसा है तुम्हारा काजरी रहे ना हनफी रहे पता नहीं क्या बन गए तुम, बस रहे आले रसूल से दुश्मनी, सैयद आले मुस्तफा काजरी अली पाशा नहीं आना बॉम्बे में, तुम बोला क्या भाई पेपर निकाल के जा रही है क्या आप लोग, बोलिए सरदार भाई क्यों नहीं आना, ये वैसे ही है जैसे शाम की सरजमीन पर हुसैन नहीं आना, तो हुसैन नहीं आना चाहिए मिंबर रसूल पर, तो वही ये रिश्ता है आज भी उनकी औलाद नहीं आना, बेटा हम तो आएंगे तुम तलवार लेके आए तो आएंगे क्योंकि ये मनसब ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये काटे 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 जहर दिए जहर दिए जहर दिए, आले रसूल में जितने अइमा अहले बैत है सबकी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से किसी की मौत नहीं हुई, सबको जहर देके मारे। अब ये जहर देने का सिलसिला कब रुका, यहां पे जो सैयद साहब बैठे हुए 29वीं पुश्त में गौसे पाक की औलाद, 40वीं पुश्त में रसूलुल्लाह की नवासा, ये क्या होता, ये भी कब तक जहर इनके बाप दादा खा के खत्म हो जाते, ना सरकार का आजम पाशा मिलते
न सरकार मूसा कादरी मिलते, न सरकार अब्दुल लतीफ दाववाली मिलते, बोलो ना आपको कोई बंदा नवाज सरकार मिलते, ना निजामुद्दीन महबूब इलाही मिलते, ना उदय गरीब नवाज मिलते, सब कुछ रह देते ना, उनको देते तो हम कहां रहते। ये बनो अब्बास की करतूतों को जिसने रोका, कभी उनको भी याद कर लो। आज दुनिया में जो सैयदा बाकी है ना, ये रौसे आजम बिरानी भी महबूब सुबहानी की हिम्मत और ताकत का नतीजा है। रौसे बाप को भी ऐसे खत्म कर दूंगा सोचा, खलीफा अब्बासी क्या करे, अशरफिया मिलाया पहले पैसे देके खरीदने, बोला पैसे ऐसे खरीद लो, बहुत लोग आ रहे हैं आपके खिताब में, एक ही रुपए में 70,000 जामा मस्जिद कम पड़ गई, शहर के बाहर चले गए, पब्लिक लगते ही परेशान होते। देखो अब्बासियों का उमवियों का जो तरीका रहा वो क्या है, इनके पीछे पब्लिक नहीं आ रहा, हमारे पीछे आ रहा, बोला तू गले में लेके जा रहा रे, पैसा आना दे लेके जाके फिर देता तू, तेरे पीछे नहीं आना, उनके पीछे आओ जिनके पीछे आने का हुक्म दिए हैं तुम्हारे बड़े बड़े, उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, कितनी मुश्किल रहा हूं मैं और कितनी आसानी मुझे। तो बहुत से आजम दस्तगी और अहले बैत तो पिलाने भी जब आए तो खलीफा ने भेजा अब्बासी, खलीफा ने नजराना फैली को ऐसे निचोड़ा, पिलाने के खून की नदी बहने लगी और खादिम देख रहे थे कि छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े बड़े आए थे, उलमा भी थे उसमें, अफसराने शाही भी थे, सब आए थे, खून बहने लगा और बहते 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 खून दरिया की शक्ल अख्तियार कर रहा था। उसके बाद कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी के रास्ते में अगर रोले अटकाएगा तेरे बादशाह से कह दे, अगर आज के बाद किसी सैयद की तरफ निगाह उठाकर देखेगा तो ये खून के दरिया को ऐसे बहाऊंगा कि तेरे बादशाह का महल खून में डूब जाएगा। ये थी वो जरूरत हैदर करार के बेटे की, आज भी बाकी है, नहीं समझ रहे इन लोग, आज भी बाकी है वही है। बस लालू जी जब जाओ दलाल पर आए और अपने दादा के मेम्बर को जलवा कर हुए तो औसफ पाक ने क्या फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बगैर वजू के देगा तो गर्दन हो जाएगी। तारीख की किताबों में लिखा है, किससे कहानी नहीं है, किरानी भी गौसे आजम दस्तगीर का नाम मजाक मजाक में लोग लेने लगे, वजू है नहीं है, लेना वैर से तलवार कर। मौलाए कायनात तशरीफ लाए आपने और आकर कहा कि है बेटा अब्दुल कादिर, अपने नाना की उम्मत पर रहम करो, इतना जलाल, इतना जलाल क्या मतलब है। वैसे बात आपकी पर्सनल दुश्मनी में, नहीं पर्सनल दुश्मनी भी नहीं कह रहे थे वैसे बात, और से बात कह रहे बता रहे थे कि वहां पर सब्र की जरूरत थी करबला में, इसीलिए मेरे नाना इमाम हुसैन ने सब्र किया, जहर दिया इमाम हसन को, मेरे दादा को वहां सब्र की जरूरत थी, तकाजा सब्र का, अल्लाह की तरफ से सब्र का, और यहां पर जाओ हशमत ताकत और कुव्वत के मुजाहरे का हुक्म है, अब्दुल कादिर किसी से डबने वाला या डरने वाला नहीं है। तो बिरादरी की वो आफताब के साथ आए, खाली 10 साल के बच्चे के सर पे हाथ रखे, कितने 10 साल के, बिरादरी का पावर देखो, 10 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखे तो उसको सलाह होती है क्यों नहीं बना रही, ये है पावर वैसे मानना। तुम क्या समझ रही, खाली किताब लिखे तो हो जाता, ऐ कोई सलाह की तक यूपी का हिसाब राज्य बताओ, हम लोग तो मैदान छोड़ के भागते, अक्सर तुम भी ऐसे हैं तो मैदान छोड़ के भागते, नजबोटी का युग लेकर आए कहा सरकार 10 साल का होंगे आप दे दो, क्या दो उसको, वो दो जो किसी को नहीं मिला। और से बात सर पे हाथ रख के बोले, अजीम फुतवाहात का हामिल होगा, दुनिया इस पर नाश करेगी, इस्लाम को इस पर फख्र होगा। 555 हिजरी में सलाहुद्दीन अयूबी क्या करे, अभी वर्षे पाक को दुनिया से गुजरने कितने साल है, 561 में मिसाल हुआ उस पर 6 साल बाकी है। 555 हिजरी में सलाहुद्दीन अयूबी वर्षे पाक का मुहिद कादरी कैसा होता देखो, 555 हिजरी में सलाहुद्दीन अयूबी की उम्र 25 साल है, मिस्र को पता कर लिए, सलीबियों की सबसे बड़ी ताकत थी, वहां से हौसले बढ़े तो उसके बाद पलट के फिर फलस्तीन से मुकद्दस को पता करे, ये गौसे पाक के गुलामों का किरदार। यकीनन दास्तान घड़ी पड़ी हुई है,
और सिपाह के गुलामों की अजमतों की आप जितना बयान करो कम है। तो मैं मुफ्ती साहब के हवाले से यही कह रहा था कि गौसे पाक को जब लुआदे दहन के खतरे मिले तो कैसी कहते थे गौसे पाक की, गौसे पाक फरमाते मेरा जी चाहता है कि लोगों को बुलाऊं। जिलाउल कातिब वगैरह की ये रिवायत है, बैजतुल असरार शरीफ की रिवायत है। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जी चाहता कि हजारों लोगों को बुलाऊं और उनको वाज़े नसीहत करूं, इसीलिए कि मेरे नाना और मेरे दादा की अता के बाद मेरे सीने में इल्म और मारिफत का ऐसा समंदर वाजसन है कि जिसके एक कतरे से सारी कायनात के इल्म की सहरा भी कर सकता हूं। इतना इल्म गौसे पाक के पास सीने में आया। अब जिसके पास जो होता वही देता, इल्म का दिए, करामत ही दिए, सखावत ही दिए, विलायत ही दिए, मुर्दे को जिंदा करना था करे। तुम चार आदमी मिलके एक आदमी को डूबने से नहीं बचाते, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बारात के साथ जिंदा निकाले। ये शान कुदरत है, शान कुदरत है। इसका इस 12 साल की कश्ती का इनकार करने वाले चाहे ये सोचे हजारों लाखों साल हो जाएंगे, अल्लाह उठाएगा ना एक बंदों। बिल्कुल हक है सर, बोलो क्या बात है, क्या बात है। ना इम्पॉसिबल बोल सकते, नहीं साइंस के तराजू में तोड़ कर बोल सकते, भाई ईमान है ना, क्या बात। मरकर जी उठने पर ईमान है, नहीं करे तो मुसलमान नहीं है, ईमान की शर्त है ये। बिल्कुल है कि नहीं, बोलो। तो ये जब उठेंगे तो किसके हुक्म से उठेंगे? अशर से पहले बोलो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पूर्व को उठाएगा या अल्लाह को छोड़ देगा? बोलिए। आदम से लेकर ईदम तक, ईदम से कयामत तक जितने रहेंगे अल्लाह सबको हुक्म देकर उठाएगा। क्यों? अल्लाह इस पर कादिर है और मेरा गौस अब्दुल कादिर है। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि गौस पाक ने जो उठाया वो अल्लाह के पावर से, सुप्रीम कोर्ट अल्लाह का है ना। बोलिए तेरी, अब तेरी जबान में वो असर नहीं कि तू बोले तो तू बोले, तेरा मौलाना बोले तो मौलाना बोले, तेरा मुफ्ती बोले तो तेरा मुफ्ती बोले, तेरा पीर बोले तो तेरा पीर बोले, लेकिन जब मेरा पीर पीराने पीर बोले तो पीराने पीर नहीं बोले, अल्लाह बोले उनकी जबान, अल्लाह बोले। और अजीब से साबित है नवाजिफ के जरिए बंदा जब मेरा कोई हासिल करे तो इनकार कर देता जिसका, और लगा पर माता मैं श्री सुभाष बन जाता हूँ जिससे बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। और ऐसे पास से ज्यादा कोई पड़े नवाजिल तो उनसे ज्यादा कोई अल्लाह के कभी हुआ होगा। 40 साल ईशा के वजू से फजर की क्या पड़े, फर्ज पड़े, नफिल पड़े, क्या पड़े नवाजिल, क्या करे प्रैक्टिकल है निराने पीर। एक मुरीद क्या करा बैठे मुनासिब नहीं चलेगा, उमरा पकड़ के लाओ, पकड़ के ले क्या कर रहा है मुर्गे की तरह क्यों उमरा। आप देखे होंगे आज चल रहा दूसरे सिलसिलों में, मैं नाम नहीं लेता, बैठे हमारे तो मुरादे पे भी चले गए। अरे कई पूरे दुनिया में बुजुर्ग थे हजरत की थे मुरादे में नहीं गुजार रहा हूँ, नहीं वो चल रहे दिखते मतलब अरे दुनिया के चल रहे वो जो वाले की कुछ करा वहां के तो देखने वहां पे जाओ और वहां पे देख नहीं हमारे तो बैठे की पहले दूसरे तीसरे आसमान पे चले आते। अरे मैं बोला अरे आसमान वालों को तेरी जरूरत नहीं है रजत की, जमीन वालों को जरूरत है। हजरत को पकड़ जमीन पे ले गया, जमीन पे जरूरत है कि नहीं बोलो, या भूखे मर जा रहे लोग हजरत आसमान पे चले जाते। बोलिए आशी साहब ऐसे थोड़ी करने वाला है, प्रैक्टिकल बोलो, प्रैक्टिकल तुम्हारी नमाज को बोलेंगे अगर तुम्हारा पड़ोसी धोखा सो जाए। अजीज मुझसे भी अल्लाह का फरमाएगा मैं बीमार था मेरे से मिलने नहीं आया, मैं भूखा था मेरे को खाना नहीं मिलाया। हदीसे मशहूर है ना, है कि नहीं बोलो, क्वेश्चन तो ये होगा। तो वैसे बात की देखे बेटा बुरा करके भी चले गया, नफ्स को कुछ कर रहा रिलैक्स कर रहा है, क्या कर रहा इसको प्रैक्टिकल गाना करो बोल तो रिलैक्स करो, फिर आने की बड़े पकड़ गया पकड़ के लिया ये बुरा की तरह क्यों हो रहा है। तो बड़े सरकार ने बुरा करके बैठा वैसे बातों मालूम उन्हें क्या देख रहा फिरानी पीर ने फरमाया ये सब चोर अल्लाह का कुर्ब चाहता है तो हाँ सरकार चाहता हूं नफिल के जरिए आ सकता हूं। प्रैक्टिकलिटी क्या है? सिलसिले कादरिया प्रैक्टिकलिटी का नाम है और सिलसिले कादरिया का एक खास वस्त है जिसके लिए आज हम जमा हुए हैं। किताब का तो कोई इरादा नहीं था खुदा, लेकिन हो गया है
याद रखिए अल्लाह का इरशाद मुबारक है, फर्स्ट करो नहीं अस्त करो, तू मेरे को याद कर मैं तेरे को याद करूं, और अल्लाह की याद के बगैर तुम कादरी नहीं हो सकते, याद रखो। और गौर से बात करें, जिस तरीके से जिक्र और अस्कार की अहमियत पर जोर दिया है, आज मैं देख रहा हूं कादरियों में, खानकाओं में या मुरीदीन में, और यह कादरी सिलसिले में यह काल काल पाया जा रहा है। सिलसिले चिश्तिया में सिमा है, यकीनन है, लेकिन वो कैसा सिमा है, एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो शरीयत और तरीका दोनों का पाबंद हो जाए, वो असल सिमा है। और सिलसिले कादरिया की जो खसूसी पहचान है वह जिक्र इलाही क्या है, क्या है जिक्र इलाही। इरान भी 40 साल इराक और अजम के बयाबानों में अल्लाह के जिक्र में मशहूर है। आज भी वहां पर एक बुर्ज अजमी है बगदाद में, एक ऐसा किला कदीम, उस पार के जमाने मिलते कदीम का हो, तो वहां पर इरान भी ऐसी याद में अल्लाह के मशहूर हुए कि एक साल गौसे आजम पर ऐसा गुजरा कि गौसे आजम ने खाना खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पिया, फिर दूसरा साल ऐसा गुजरा थोड़े छोड़ दिया, आप समझ रहे हैं मेरी बात, एक साल खाना छोड़ दिया, एक साल पानी छोड़ दिया, एक साल दोनों छोड़ दिया, खाना खाया तो पानी नहीं पिया, पानी पिया तो खाना नहीं खा, और तीसरा साल जब आया तो ना खाना खाया ना पानी पिया। क्या कर रहे थे बैठ के गौसे आजम, तीन साल भूख और प्यास में, खाना खाए तो मशरूम को जाना, खाना खाए तो वो जो टूटता, खाना खाए तो नींद आती, तो पिलाने पीने का वो चीज जो मुझे अल्लाह के जिक्र से रोके अब्दुल कादिर को छोड़ देता है। रोकने वालों ने कहा कसम ले ले के खिलाता है पिलाता है, अलहजरत रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया ना कि कसम दे दे के खिलाता है खिलाता है तुझे, या अल्लाह तेरा चाहने वालों क्यों दिया कसम अल्लाह, भाई खाने की सब चीजें जीना नहीं खाए और से पार याद में ऐसे बैठ गए। तो दोस्तों वो हमारे पीर हैं जो तीन साल बगैर खाए पिए अल्लाह की याद में बैठे, अल्लाह का जिक्र करें, जरूरत थी वैसे पाक को मार्के पेट से बनी है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक हादसा है वो है जिक्र इलाही, क्या है, और मौला ये कायनात चले खुदा हमारे पास जो जिक्र होता इराक के तरफ से होता, थोड़ी देर एनर्जी है आपके पास, 10-15 मिनट ज्यादा नहीं करेंगे यार, मैं भी करके आऊँ आप लोग भी तक, अगले महीने फिर इंशाला आएंगे तो खालिस जिक्र करें, क्योंकि ये गाजी शरीफ की मुनासिबत से पहली बैठे थे गौसिया मस्जिद में, इसीलिए हमने और मुफ्ती साहब किबला को अल्लाह सलामत रखे पिराने के हवाले से हमने गुफ्तगू कर दी। मौला अली मुश्किल पूछा शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा, रावी मौला है कौन है, मौला अली फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के असहाब को देखा, वो जिक्र करते तो उनकी कैफियत कैसी होती, अल्लाह का जिक्र करते तो कैफियत कैसी होती, जैसे तूफानी हवा दरख्त के पत्तों को हिलाती मेरे नबी के असाब जिक्र इलाही पे से झूमा लगते थे, ये आप लोग झूम कर करें तो भी फंसे आते, अरे वाला जो चीज अली को पसंद और नबी को पसंद क्या होती साहब, वो इन लोगों को नहीं पसंद, अल्लाह फरमाता है अल्लाह का जिक्र करो कयामन बखूदन आला जीतू भी ऐर के करो, ऐर के करो और अपनी करवटों पर करो, ये कुरान की नस से साबित है। और याद रखो जिक्र की बड़ी फसीलत है, इंशाल्लाह आज से जिक्र करेंगे, अगले महीने फिर आएंगे हम अल्लाह चाह तो, अब आते रहेंगे जरूर आते रहेंगे, आप बुलाइए ना बुलाइए मैं आता रहूंगा, क्योंकि ये मुंबई नगरी है, ये उरूसुल बिलाद है, क्या है शहरों की दुल्हन है नगरी, और दुल्हन दूल्हे के बगैर अधूरी है, तो आले रसूल आते रहेंगे आप जितने चाहे रास्ते रोकिए, और हम फसाद बर्पा करने नहीं, हम मोहब्बत बांटने आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और बड़ी ताकत और बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे इंशाल्लाह, और हमारे रब्बानी हमारे साथ हैं, मशायख हैं, सादात हैं, अवाम हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से एक इत्तेहाद की फिजा को हम हमवार करें, इख्तलाफात बहुत हुए, बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, अब एक ही मेरा पैगाम है और बारहा यही पैगाम है कि इरवान ने कहा था, क्या कहा था, कुछ बड़ी बात की होते तो मुसलमान भी है, कहा था कि नहीं कहा, उसने कहा था क्या शेर है वो कि अरब पाक भी अल्लाह भी कुरान भी है, कुछ बड़ी बात की होते तो मुसलमान भी है, मैं मुसलमान हूं पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता,
47 साल का हो गया, मगर मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं मस्जिद गौसिया की। इस जिम्मेदार मेंबर पर बैठकर मैं कम से कम सुन्नियों को मुतहर करने की कोशिश करूंगा। आप साथ हैं मौलाना, आप साथ हैं उलमा इकराम साथ हैं, सूफिया साथ हैं, सैयद साहब सब आप साथ हैं। मेरा ये मिशन है कि मैं सुन्नियों को मुतहर करूं और बिलखसूस उसमें अहले तरीकत को। आजकल सभी सुन्नी बोल के आ रहे हैं, उधर वाले इधर वाले सब सुन्नी बोल के आ रहे हैं। पूरा भी सुन्नी नहीं तो कहेगा कम से कम अहले तरीकत। कादरियों में इत्तेफाक होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। चिश्तियों में इत्तेफाक होना चाहिए कि नहीं? बोलिए। आप नक्शबंदी हो, सोहरवर्ती हो, रफाई हो, शाजली हो, सरवरी हो, कोई भी सिलसिले हो, इनमें इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। और मैं इस इत्तेहाद के नुक्ते नजर को लेकर सारे हिन्दुस्तान में सफर कर रहा हूं। बहुत लड़ाई झगड़े हो गए, सुन्नियत का बहुत नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से सुन्नियत हर जगह पस्ता हो रही है, पीछे ढकेली जा रही है। ये बदअकीदा और बातिल जमातें, इनकी कुव्वतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और सुन्नी मुसलमान गरीब था गरीब रह गया, कम इल्म था कम इल्म रह जा रहा है। हमारे मदरसों को चंदे बंद कर दिए गए हैं। कोविड के बाद से आप सुन्नी इदारों में जाकर पूछे कितने चंदे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। लोग देना छोड़ दिए। क्यों? बेजार हो गए। इनके मुरीदा बोलते उनके मसलक के मुरीदों को अब दर्जा नहीं देते। ये तल हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। इस पर मैं बाजार में लेक्चर करूंगा। इससे नुकसान मदारिस का हो रहा है। आप हमारे हजरत को बोले हम आपके मदरसे को चंदा नहीं देते, आप हमारे हजरत को बोले हम नहीं देते, हमारे मौलाना को बोले हम नहीं देते। इससे दीनी मदारिस सुन्नी मदरसों का बोलिए इदारों का बोलिए नुकसान हो रहा है। और इंतजार में सिर्फ नुकसान है, इत्तेहाद में ताकत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे इरादों में हमें कामयाबी अता फरमाए और अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक तआला कुव्वत और ताकत अता फरमाए, ताकि बादिल अकीदे वालों के बिलमुकाबिल ये पूरी कुव्वत के साथ ठहर सके और मुदाफियत कर सके और अहले सुन्नत के अकायद का ये तहफ्फुज़ कर सके। यही हमारा मकसद है। और अल्लाह से दुआ है कि आज की इस मजलिसे गौसिया को अल्लाह इख्तिताम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। थोड़ी सहादतों के लिए हम जिक्र इलाही करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारों से अनवर भाई वगैरह से ये सब लाइटें थोड़ी देर बंद करवा दें। और 15 मिनट आप लोगों को ये तरस नया नजर आएगा, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम ये जिक्र करें, क्योंकि जिक्र इस कदर अहम है, जरूरी है कि अल्लाह अखबार को बता रहा क्या फरमाता है। फर्स्ट करोनी आज रकम तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद। इस आयत मुबारक पर हम बाद में तफसील से गुफ्तगु करेंगे। सिर्फ एक जुमला आपको पकड़कर चलना है। अल्लाह क्या बोल रहा? तू मेरा जिक्र कर, मैं ये सोचकर करो आप अल्लाह अल्लाह बोल रहे हैं और परवरदिगार आपका नाम पुकार रहा है। ये उसका कायदा है। तो ये सोचकर आप जिक्र करेंगे, उठ जाए और सफे बनाए। हमारे ना इधर बदाम